आज बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री थोड़ी देर में पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं और इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी कार्यालय में मौजूद रहेंगे। कार्यालय में प्रधानमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और पार्टी इस मौके का इस्तेमाल लोकसभा की कमजोर सीटों को मजबूत करने में करेगी। केंद्र सरकार की ओर से मंत्रियों और पार्टी के बड़े नेताओं को उन इलाकों में भेजा जाएगा जहां 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी हार गई थी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जहां हैदराबाद में रहेंगे, वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह कोलकाता साउथ सीट लोकसभा सीट में लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। उत्तराखंड में मिली बम्पर जीत के बाद बीजेपी पहली बार पार्टी का स्थापना दिवस मनाने जा रही है और यहां स्थापना दिवस 14 अप्रैल तक चलेगा। राजधानी देहरादून में एक निजी वेडिंग पॉइंट में स्थापना दिवस का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और भारी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के मुताबिक पार्टी स्थापना दिवस को 14 अप्रैल तक बूथ स्तर पर मनाएगी और माना जा रहा है कि बीजेपी ने इसके जरिए 2019 की तैयारियां भी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरे में पीएम साहिबगंज में गंगा नदी पर 4-लेन पुल और बंदरगाह की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही 322 किलोमीटर लंबी एक सड़क का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए साहिबगंज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 विभागों के ऑफिसर्स के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। आज मुख्यमंत्री के सामने सभी विभागों के सचिव और प्रमुख सचिव प्रेजेंटेशन देंगे। अब स्थापना और औद्योगिक विकास, सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्य उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा विभाग अपने अपने डिपार्टमेंट का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने देंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में हेरा फेरी के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं और सीएम ने 45 दिन के भीतर पूरे मामले की जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज आलोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई है और योगी ने कहा है कि जांच में किसी के भी दोषी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने डीडी न्यूज पर अपना पहला टीवी इंटरव्यू दिया। अपने इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा कि हम यहां मौज मस्ती करने नहीं आए हैं, हम काम करने आए हैं। और योगी ने यह भी कहा कि किसानों का कर्ज माफ पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की प्रेरणा से किया गया है। योगी ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करना केंद्र और राज्य का लक्ष्य है। योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर भी बड़ा बयान दिया। योगी ने कहा कि अपराधियों को अपराधी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। योगी ने सूबे के नौजवानों के पलायन पर भी चिंता जाहिर की और योगी ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य सूबे के 90% नौजवानों को रोजगार देना है। इस नाते केंद्र की सरकार किसानों के लिए जिस भी प्रकार के कदम उठा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार उसका अनुसरण करेगी और किसानों को खुशहाल करेगी। किसानों की आय को दोगुना करना वो हमारी प्राथमिकता में है और हम लोगों का प्रयास होगा कि 2019-20 तक हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। किसानों की खुशहाली के लिए कदम उठाया गया है क्योंकि वो अन्नदाता है और उसकी खुशहाली हमारी खुशहाली है। नौजवानों के अंदर प्रतिभा है, वो कार्य करना चाहता है लेकिन उसके पास प्रदेश के अंदर इस प्रकार का माहौल नहीं बनाया गया, बल्कि जो पहले से लगे हुए उद्योग थे उन्होंने इन 15 वर्षों में प्लान किया है। यहाँ से लोग यहाँ से भागे हैं, गए हैं, कोई सुरक्षा का वातावरण यहाँ पे नहीं था। न माताएं बहनें सुरक्षित थी, न उद्योगपति सुरक्षित था, न व्यापारी सुरक्षित था, कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति हो गई थी। तो हम लोगों ने आते ही सबसे पहला काम तो कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए अपने कदम उठाए हैं और स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। कार्रवाई प्रारंभ हुई है और स्पष्ट निर्देश दिया है कि चेहरा देख करके कार्रवाई मत करिए, अपराधी को अपराधी के अनुसार ट्रीट करिए। किसी भी जाति का हो, किसी भी मत और मजहब का रहने वाला हो, एक दूसरा इस बात को ध्यान में रखना कि ये भी मत देखिए किस पार्टी का है किसका नहीं है। जो अपराधी है सख्ती के साथ निपटिए उसके साथ। कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए हमने सख्त कदम उठाए हैं, इससे भी सख्त कदम उठाएंगे हम।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता जुनैद मट्टू को कानूनी नोटिस भेजकर दो हफ्ते के अंदर माफी मांगने को कहा है। नोटिस में जुनैद मट्टू पर बीजेपी के खिलाफ नफरत फैलाने और मुस्लिम्स को लेकर योगी आदित्यनाथ के बारे में गलत कहानी गढ़ने और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। अब्दुल्ला ने कहा है कि पत्थरबाज भूखे मर जाएंगे लेकिन देश के लिए पथराव करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजों का पर्यटन से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार में मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि फारूख उपचुनाव में जीत के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी टनल खोल दी, टनल बम ने कहा कि यहाँ के बच्चों को ये सोचना चाहिए टूरिज्म चाहिए या पत्थर मारने चाहिए। आपको टूरिज्म चाहिए या टेररिज्म चाहिए? मैं मोदी साहब को इस स्टेज से कहना चाहता हूँ, टूरिज्म हमारी जिंदगी है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो जो पत्थर फेंकने वाला है उसको टूरिज्म से कोई मतलब नहीं है, ये समझ जाए। उसको टूरिज्म से मतलब नहीं है, वो भूखे मरेगा मगर वो वतन के लिए वो पत्थर मार रहा है, ये समझने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत है कि अगर वो अपनी जान दे रहा है तो वो टूरिज्म के लिए जान नहीं दे रहा है, वो टूरिज्म के लिए नहीं जान दे रहा, वो दे रहा है कि इस वतन का फैसला होना चाहिए जो यहाँ के लोगों को कबूल हो। जम्मू कश्मीर के गादरबल में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की ड्रेस पहनकर मैच खेलने पहुंचने वाली टीम को गिरफ्तार कर लिया गया है और सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम भी इस मामले में छानबीन के लिए कश्मीर भेजी गई है। कुछ दिन पहले हुए इस मैच से पहले खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का राष्ट्रगान भी गाया था और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की। तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश के दौरे को लेकर चीन ने फिर नाराजगी जताई है और चीन के विदेश मंत्रालय ने बीजिंग में भारत के एम्बेसडर विजय गोखले को बुलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि दलाई लामा का अरुणाचल दौरा भारत का अंदरूनी मामला है और इसमें चीन दखल ना दे। शराब की दुकानों में तोड़फोड़ को लेकर लखनऊ में मुख्य सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और बैठक के बाद मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने कहा कि कानून को हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं है। शराब की दुकानों को शिफ्ट करने के लिए एसडीएम सीओ और आबकारी अधिकारी की टीम मौके पर जाएगी और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह भी मौजूद रहे। स्पष्ट आदेश जारी किए कि ऐसी जगह उन्हें शिफ्ट न किया जाए जो बस्तियों में या फिर अस्पतालों में या स्कूल कॉलेज और रिलीजियस संस्थान जो हैं उनके नज़दीक 500 मीटर में नहीं शिफ्ट होंगी, ये कड़े हमने निर्देश दिए। शिफ्ट होनी है तो और कहीं पर शिफ्ट हो, इनसे दूर शिफ्ट हो, और उसके लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी बताया गया कि जगह तय करने के लिए एसडीएम जो एक्साइज अफसर हैं, आबकारी अधिकारी हैं जिले के और जो सीओ हैं पुलिस, तीनों जने साथ में जाके जॉइंटली लोकेशन को चेक करें और ये सुनिश्चित करें कि जो हमने निर्देश दिए हैं 500 मीटर के वो जगह उसका उसके अनुसार है, उसके बाहर है, तभी जाके अनुमति दी जाए शिफ्ट करें। शराबबंदी की मांग को लेकर यूपी में शराब की दुकानों पर लोगों का गुस्सा उतर रहा है। शाहजहांपुर में महिलाओं ने शराब के ठेके पर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। घटना सदर बाजार थाना क्षेत्र के छोटी रेलवे स्टेशन के पास की है जहां दर्जनों महिलाओं ने एक साथ देसी और अंग्रेजी शराब के ठेकों पर धावा बोल दिया। महिलाओं ने शराब की बॉटल्स को सड़क पर फेंक दिया और फिर आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ा और पुलिस उनके सामने बेबस नजर आई। उत्तराखंड में भी शराब की दुकानों के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन जारी है। नेशनल हाईवे 109 रुद्रप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर महिलाओं ने शराब की दुकान खोले जाने का विरोध किया और तेज बारिश के बावजूद महिलाओं ने प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान महिलाओं ने
घंटों तक राजमार्ग को जाम किया हुआ था और महिलाओं ने शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पिथौरागढ़ में भी शराब की दुकानों के खिलाफ महिलाओं ने गुस्से में मोर्चा खोल दिया। कई गांव की महिलाओं ने मिलकर वन विभाग की जमीन पर शराब की दुकान के विरोध में तहसील कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। महिलाओं का कहना था कि शराब की दुकान नियमों को ताक पर रखकर खोली गई है और वहीं बैरीनाग के उप जिला अधिकारी का कहना है कि जहां नई दुकानें खोली गई हैं वो वन विभाग की जमीन बिना इजाजत के खोली गई थी और जिसे बंद करा दिया गया है। बिल्कुल धरने में बैठेंगे, आमरण अनशन कर देंगे, क्योंकि बच्चों का भविष्य है सर, जंगल का रास्ता है। वैसे भी हमारे बहन माताएं लोग रास्ते से चलते हैं तो इतना भय रहता है उस रास्ते में, यहाँ से भी शराब लेके उस रास्ते में बैठते हैं, फिर वहाँ अगर जंगल में हो जाए तो फिर तो चलना दूभर हो जाएगा सर। उत्तराखंड के कृषि और उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल बुधवार को अपने परिवार के साथ श्रीनगर पहुंचे। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सुबोध उनियाल हर साल श्रीनगर से 20 किलोमीटर दूर अपनी कुल देवी राजेश्वरी देवलगढ़ मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं और पूजा करने के बाद सुबोध उनियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तराखंड में कृषि उद्यान के क्षेत्र में बनाई जा रही सरकार की नीतियों के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने शराब और खनन को लेकर सरकार को हो रहे नुकसान पर भी चिंता जताई। सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड में भी नेपाल की तरह शराब नीति लागू होनी चाहिए। माननीय न्यायालय ने कह दिया है कि नेशनल हाईवे से 220 मीटर तक शराब की दुकानें और बार नहीं रहेंगी, तो मैं समझता हूँ ये पर्याप्त है, इससे कहीं ना कहीं एक अंकुश लगेगा। लेकिन जो टूरिस्ट को, अगर आप चाहते हैं कि टूरिस्ट आए तो टूरिस्ट सुविधा चाहता है। अब मैं नेपाल में, आप देखिए नेपाल में कैसीनो है लेकिन उसमें लिखा है कि नेपालीज आर नॉट अलाउड, लेकिन बाकी दुनिया के लोगों के लिए तो कैसीनो खुला है ना। गौमांस पर बैन की मांग करने वाले अजमेर दरगाह के दीवान सैयद जुनैल आबिदीन अली खान को उनके भाई ने पद से हटाकर खुद को दरगाह का दीवान घोषित कर दिया है और जुनैल आबिदीन ने मुस्लिम्स को गौमांस के कारोबार से दूर रहने की नसीहत दी थी, साथ ही ट्रिपल तलाक पर भी विरोध जताया था। वहीं जुनैल ने कहा है कि जब तक वो जिंदा हैं वो ही दीवान रहेंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पूरी पीठ के शंकराचार्य ने विवादित बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि देश के मुस्लिम्स को बड़े पद दिए गए हैं और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तक बनाया गया है। ऐसे में मुस्लिम हिंदुओं की उदारता को दुर्बलता न समझें और पीठ के शंकराचार्य ने राम मंदिर को लेकर कहा कि अब बीजेपी बहानेबाजी नहीं कर सकती, केंद्र और यूपी दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है, ऐसे में राम मंदिर निर्माण होना चाहिए। प्रबल बहुमत से तो मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, अब भाजपा को बहाने की आवश्यकता नहीं है। वाजपेयी जी कहा करते थे कि हम बैसाखी पर चल रहे हैं, भाजपा भी समय ऐसा नहीं कह सकती और रामलला का मंदिर तो अयोध्या में है, वहाँ भी भाजपा का शासन तंत्र है। नरसिंह राव के शासन का एक मुसलमान सज्जन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, आज भी भारत में अनेकों मुसलमान सज्जन राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राजदूत भी हैं। ऐसी स्थिति में हिंदुओं की, भारतीयों की इस उदारता को, जो मानवता के पक्षधर मुसलमान सज्जन भारत या विश्व में निवास करते हैं, कभी भी दुर्बलता न समझें। मध्य प्रदेश की विदिशा जिला जेल की जर्जर दीवार गिरने के मामले में खुलासा हुआ है कि जेल अधीक्षक ने कलेक्ट्रेट और आला अधिकारियों को जर्जर दीवार के बारे में पहले ही शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने प्रशासन से लिखित में शिकायत की थी लेकिन जेल की दीवार इस कदर जर्जर हो चुकी थी कि दीवार गिरने की कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था और जेल अधीक्षक के मुताबिक सपोर्टिंग दीवार बनाने के लिए शासन की ओर से 13 लाख रुपए मंजूर भी किए गए थे लेकिन दीवार के पीछे आयकर विभाग का दफ्तर और जमीन है और दीवार के निर्माण को लेकर आयकर विभाग ने आपत्ति जताई थी, जिसको लेकर प्रशासन ने ना तो समझौते की पहल की और ना ही दीवार बनवाने की प्रक्रिया में आ रही परेशानियों को दूर करने की कोशिश की, जिसके चलते एक साल के जद्दोजहद के बाद भी दीवार का निर्माण नहीं कराया जा सका। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने हत्या के उन 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उसमें कामयाबी हासिल की है, जिन्होंने 10 दिन पहले दिन दहाड़े एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।
पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही इस वारदात के मुख्य आरोपी श्रीराम गुर्जर को भी गिरफ्तार कर लेगी। अभी पकड़े गए तीनों आरोपियों से पुलिस ने एक अवैध माउजर और एक पिस्टल समेत 3-5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके साथ ही माओवादियों आरोपियों से पुलिस की वर्दी पहनकर वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मौके से एक पुलिस का बैच नंबर और 2 अवैध पिस्टल के साथ ही 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। साथ ही ये सभी चीजें आरोपी के साक्ष्यों को उलझाने के लिए इस्तेमाल की गई थी। जानकारी मिली थी तो उसमें एक आदमी को गिरफ्तार किया हमने, जगदीश को, और श्रीराम के साथ 2 और लोग आए थे, उसका भी पता चल गया है। तो इन दोनों को हमने गिरफ्तार किया है। जो यूनिफॉर्म, जो खाकी जो यूनिफॉर्म पहन के आए थे, ये मिला, और 2 कट्टे भी मिले हैं, इसको भी हमने बरामद की है। अब विवेचना भी जारी है, अभी श्रीराम का भी जानकारी हम लगा रहे हैं कि कहाँ है, लोकेशन क्या है। मुरैना कलेक्टर दफ्तर के सामने दिन दहाड़े मोबाइल की दुकान पर फायरिंग करने का मामला लगातार तूल ही पकड़ता जा रहा है। कारोबारियों में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोश है, और इसी के मद्देनजर कारोबारियों ने एक बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि अगर 7 अप्रैल तक इस मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती तो 8 अप्रैल को व्यापारी बाजार बंद करेंगे। आपको बता दें कि बीते 4 अप्रैल को कलेक्टर दफ्तर के सामने एक मोबाइल की दुकान पर बदमाशों ने फायरिंग की थी, और इस फायरिंग में मोबाइल शॉप मालिक चेतन गर्ग बाल बाल बच गए थे। इस मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने 2 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाकी आरोपी अभी तक फरार चल रहे हैं। व्यापारियों में कल की घटना को लेकर आक्रोश है, और सभी व्यापारी इस घटना को लेकर अत्यंत भयभीत है, और सभी व्यापारी चाहते हैं कि जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार होने चाहिए, और आगे निकट भविष्य में इस तरह का घटनाओं का क्रम रुके, हमें और व्यापारी सब सुकून के साथ व्यापार कर सकें। कल जो घटना हुई है मोबाइल फ़ोन की शॉप पर, उस सिलसिले में ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन आप लोगों ने ये चाहा था कि शनिवार तक इसमें कार्रवाई हो, लेकिन इस मामले में पूर्व पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। 2 आरोपी इसमें पकड़े जा चुके हैं, और बाकियों के लिए भी भरी प्रकार से दबाव बनाया हुआ है। ग्वालियर में शहीदों के बच्चों को बीएसएफ में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले विश्ववीर सिंह के कारनामे लगातार ही सामने आते जा रहे हैं, और विश्ववीर के हरियाणा के शहीद भीम सिंह के पिता से भी 2.25 लाख रुपए की ठगी की थी, और ग्वालियर पुलिस से जानकारी मिलने के बाद हरियाणा का पीड़ित परिवार भी ग्वालियर पहुंचा। राम सिंह के बेटे भीम सिंह भारतीय सेना में सिपाही थे, और कश्मीर में बाढ़ के राहत के दौरान भीम सिंह शहीद हो गए थे। राम सिंह के मुताबिक जनवरी 2016 में उनके पास विश्ववीर नाम के एक शख्स का फोन आया था, और बताया जा रहा है कि वो भी आर्मी में है और भीम सिंह का कमांडिंग ऑफिसर रहा है, और उसने भीम सिंह के पिता पर विश्वास दिलाया कि उनके भतीजे को फौज में अनुकंपा नियुक्ति दिलवा दी जाएगी, और इसके एवज में ठग विश्ववीर सिंह ने 2.25 लाख रुपए ले लिए, और जिस पर भरोसा करके राम सिंह ने 2.25 लाख रुपए दे दिए, और 27 जनवरी 2016 को उन्हें बाकी पैसे के साथ ग्वालियर बुलाया गया था, और राम सिंह के छोटे बेटे ग्वालियर पहुंचे और उन्होंने विश्ववीर को बाकी 1 लाख रुपए दे दिए, लेकिन रुपए लेने के बाद भी विश्ववीर सिंह रेलवे स्टेशन पर ही वहां से फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित राम सिंह ने ग्वालियर के पड़ाव थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। मेरा बेटा फौज में था, वो शहीद हो गया था 2014 में। उसके बाद में इसने विश्ववीर ने मेरे से फ़ोन करके और मेरे भतीजे को नौकरी लगवाने के लिए 2.25 लाख रुपये पैसे 50,000 रुपये और 75,000 रुपये उसके खाते अकाउंट नंबर दिए थे उसमें डलवाए, और 1 लाख सुबह सिंह जो मेरा भतीजा था उसके खाते से निकलवाए। और जितनी जानकारी या डॉक्यूमेंट इसके पास से मिला है, जो कि कई कलर फोटोकॉपी मिले हैं, इससे यह प्रतीत होता है कि ये सेना से संबंधित या अर्धसैनिक बल वगैरह से संबंधित रहा है। ज़्यादा डिटेल इसके द्वारा दिया जा रहा है, और हम लोग भी जानकारी एकत्र करने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी में एमसीडी टिकट के बंटवारे को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। करोलबाग से बीजेपी जिला अध्यक्ष भारत भूषण मदान पर एक व्यक्ति ने घर में घुसकर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता है और एमसीडी चुनाव में टिकट चाह रहा था। भारत भूषण का कहना है कि आरोपी पहले उन्हें फोन पर धमकी भी दे रहा था।
निगम टिकट के बंटवारे के बाद कांग्रेस में भी बगावत के सुर खत्म नहीं हो रहे। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन और प्रभारी पीसी चाको के इस्तीफे की मांग की है। दिल्ली के पूर्व मंत्री मंगत राम सिंघल और दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष ओनिका मेहरोत्रा और कांग्रेस नेता जितेंद्र कोचर समेत कई नेताओं ने टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप लगाया है। इन नेताओं का कहना है कि अजय माकन पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के फैसलों की समीक्षा के लिए बनी शंगलू कमेटी ने कहा है कि केजरीवाल सरकार ने कानून की अनदेखी की है और कमेटी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के लिए जमीन आवंटन, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी के हेल्थ मिशन के नियुक्ति और पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को सलाहकार के तौर पर बहाल करने पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालेवाल को घर का आवंटन भी गलत तरीके से करार दिया है। दिल्ली में पूर्व एलजी नजीब जंग ने इस कमेटी का गठन किया था। दिल्ली सरकार के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने की वजह से 21 मरीजों की आंखों की रोशनी जा सकती है। धुंधला दिखाई देने की वजह से इन्हें इलाज के लिए एम्स में भेजा गया है और जीटीबी अस्पताल में मरीजों को एवास्टिन नाम का एक इंजेक्शन लगाया गया था और आशंका है कि एवास्टिन की एक शीशी दूषित थी। दिल्ली मेट्रो में औसतन हर दिन चोरी के 52 मामले सामने आते हैं। इस साल 15 मार्च तक दिल्ली मेट्रो में चोरी के 3,854 शिकायतें मिली और 2014 में 2,211, 2015 में 3,104 और 2016 में 9,705 चोरी के मामले सामने आए। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने एक सवाल में लिखित जवाब राज्यसभा को ये जानकारी दी।